बच्चे भी लाइट में हो गए। गुड मॉर्निंग डियर क्लास वन स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न इंग्लिश ग्रामर। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू लेसन, लेसन फोर, वन एंड मेनी, मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल। वी विल लर्न अबाउट हाउ वी मेक प्लूरल टू सिंगुलर। Where is one? That is singular. And where is more than one? That is plural. We make plural to a singular with adding s, es. So let us start. बच्चों हम आज लेसन फोर, नया लेसन है लेसन फोर, वन एंड मैनी, वो हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। ये है सिंगुलर से प्लूरल बनाना। एक को कहते हैं वन और एक से ज़्यादा को कहते हैं मेनी। हम एक को सिंगुलर को हम प्लूरल बनाते हैं एस या ई एस जोड़ करके। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बुक देखिए आप लोग, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 है, इसको देखिए। वन एंड मैनी, लेट्स नो, एप्पल, एप्पल्स, हैट, हैट्स। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ देखिए सिंगल है, एक सेब है तो एप्पल लिखा हुआ है। जब कई सेब हो गए तो एप्पल्स, ई एस जोड़ एस जोड़ दिया गया। हैट, एक हैट है तो एक से ज़्यादा हैट हुए तो एस जोड़ दिया गया, हैट्स हो गया। वेन वी से एप्पल वी मीन वन एप्पल। जब हम सेब कहते हैं तो हमारा मतलब होता है एक सेब का। वेन वी से एप्पल्स, जब हम एप्पल्स कहते हैं वी मीन मोर देन वन एप्पल, तो इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा सेब। कि ए नाउन डैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर। वो नाम जो कि सिर्फ एक पर्सन, एक जगह, एक जानवर, एक चीज़ के लिए को बताता हो वो सिंगुलर कहलाता है। ए नाउन डैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल। और वह नाउन जो कि मोर देन वन, एक पर्सन, एक प्लेस और एक एनिमल और एक थिंग से ज़्यादा को बताता है वो क्या कहलाता है? प्लूरल। We add s to some words to change them from one to many. हम किसी वर्ड में s जोड़ करके उसे वन से मैनी में चेंज करते हैं। जैसे देखिए डॉल, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा एप्पल से एप्पल्स, हैट से हैट्स। अब यहाँ देखिए डॉल, डॉल से डॉल्स हुआ, s जोड़ दिए। बॉय, बॉय से बॉयज हुआ, s जोड़ दिए। अब देखिए लेट्स डू है, लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय adding s to the naming word। ये naming word है, इसमें हम जो है क्या करेंगे, ये word जो है, suppose ये book है, many one book है, यहाँ many लिखा हुआ है, book को हम लिखेंगे उसमें s add कर देंगे। जैसा कि board पर किया गया है, देखिए पहला word है let's do में many, let's do में है वन बुक। वन बुक को हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है। तो मैनी ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको जो है ब्लैंक्स में बुक्स लिखेंगे, इस लगा दिया हमने तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो मैनी बुक्स। ठीक है, सेकंड में देखिए वन कप है, वन कप है, हमको प्लूरल बनाना है तो मैनी कप्स हो जाएगा, दूसरे में क्या फिल हो जाएगा, कप्स। तीसरा देखिए वन डॉल है, एक गुड़िया है, हमको प्लूरल बनाना है, देख रहे हैं कई गुड़िया है, ये देखिए एक कप है और इधर बहुत सारे कप हैं, एक गुड़िया है, बहुत सारी गुड़िया है, एक कलम है, बहुत सारे कलम है, वन कप है, वन डॉल है, वन पेन है। उसके बाद दूसरी तरफ बहुत सारा ये कप है, बहुत सारा डॉल है, बहुत सारा पेन है। तो मैनी ऑलरेडी लिखा हुआ है
हम आगे क्या जोड़ करके इसको प्लूरल बनाएंगे वो हमें लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसमें टिक करना है कौन सही है। पिक्चर आपको दिया हुआ है और इसमें कौन सही होगा उसको हमको टिक करना है। और तीसरा देखिए, इसमें वर्ड दिया हुआ है, वॉच लिखा हुआ है, फिर ES प्लस करके ES लिखा हुआ है, और उसको हमें ऐड करके वो वर्ड नया वर्ड बनाना है जो कि प्लूरल होगा, मेनी होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग आज कर रहे हैं। कुछ हमने देखा पीछे लेट्स डू में क्वेश्चन वन देखा, कुछ लेट्स डू वन का आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा वन में पहला कि वन बुक लिखा हुआ है, हमें प्लूरल बनाना है। तो हम मेनी ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है बुक्स, बुक में हम एस लगा दिए प्लूरल बना दिए। दूसरा है वन कप लिखा हुआ है, वन कप लिखा हुआ है तो हम इसमें मेनी के बाद कप्स लिखेंगे, कप में एस लगा देंगे तो हो जाएगा मेनी कप्स। उसके बाद वन डॉल लिखा हुआ है तो डॉल में एस लगा देंगे, मेनी डॉल्स हो जाएगा। फोर में वन पिन लिखा हुआ है तो हम पिन में एस लगा देंगे तो वन पिन्स हो जाएगा, तो मेनी पिन्स हो जाएगा। उसके बाद टू को देखिए, लुक में कह रहा है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द राइट वर्ड। ये पिक्चर को देखिए और सही वर्ड पे आप टिक कीजिए। पहला पिक्चर है रोज रोजे, इसमें सही कौन होगा देखिएगा, सिंगल है रोज, क्या सिंगल है तो रोज होगा, वन है ना तो रोज होगा। दूसरा है काइट है, काइट्स है, देखिए यहाँ दो वन मोर देन वन हो गया तो ये क्या हो गया प्लूरल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे काइट्स लिखेंगे। थर्ड में देखिए चिक और चिक्स, यहाँ देख रहे हैं पिक्चर कि दो चिक है तो दो जब हो गया तो मोर देन वन हो गया तो ये प्लूरल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे चिक्स लिखेंगे। फोर्थ में देखिए लाइन है, लाइंस है, कितना लाइन है सिंगल है वन है तो ये क्या है सिंगुलर है तो हम लाइन लिखेंगे। फ्रॉग फ्रॉग्स, इसमें देखिए कितना फ्रॉग है सिंगल फ्रॉग है तो ये सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉग लिखेंगे। सिक्स में देखिए हॉर्स है, हॉर्सेज है, कितनी मेनी मोर देन वन हॉर्स है तो ये क्या हो गया प्लूरल हो गया तो इसमें हम ES लगा करके हॉर्सेस बनाएंगे तो ये हम क्या लिखेंगे हॉर्सेस को टिक करेंगे। उसके बाद बेल, बेल में देखिए बेल को देखिए, बेल बेल को देखिए, बेल जो है ना दो बेल है तो हम इस बेल्स को हम टिक करेंगे। ठीक है, काई यहाँ देखिए किटेन और किटेंस, यहाँ कितने किटेन है सिंगल है तो हम किटेन को टिक करेंगे। यहाँ एप्पल देखिए और एप्पल्स हैं तो मोर देन वन एप्पल्स हैं तो हम किसको टिक करेंगे एप्पल्स को टिक करेंगे। ठीक है, आगे है लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थ्री। आगे है क्वेश्चन थ्री, एड ES टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मेनी। हमें ES लगाना है, ये वर्ड है सिंगुलर है, इसको हमें प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड कर देना है। तो जैसे वॉच है, वॉच में हमने ES ऐड कर दिया तो क्या हो गया वॉचेज, बस में ES ऐड कर दिया तो बसेस हो गया। उसके बाद फॉक्स है, फॉक्स में ES ऐड किया तो फॉक्सेस हो गया। डिश में ES ऐड किया तो डिशेज हो गया। मैच में ES ऐड किया तो मैचेस हो गया। और क्लास में ES ऐड किए तो क्लासेस हो गया। एक चीज इसमें गौर करेंगे कि देखिए CH है या S है या X है इसके बाद, या डबल S है इसके बाद ES लगाएगा, जबकि हम लोग यहाँ S सिर्फ लगाए थे। तो इससे ये समझ में आता है कि जिस वर्ड के आखिर में CH हो, S हो, डबल S हो, ऑक्स हो, एक्स हो, तो उसके बाद हम क्या करेंगे ES लगाएंगे। हम अदर वर्ड में S जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, जबकि जिस वर्ड के आखिर में CH हो,
डबल एस हो, एस हो, तो उस वर्ड में हम ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसा कि इसमें बनाया गया, वाच में ई एस ऐड किया गया, वाचेस हुआ प्लूरल बनाने के लिए, बस में प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड किया गया, फॉक्स में फॉक्स को प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड किया गया, डिश में डिश को प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड किया गया, मैच को ई एस प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड किया गया, और क्लास को प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड किया गया। तो हमको समझ में आया कि सी एच जिस वर्ड के आखिर में सी एच एस एक्स एच हो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए उस वर्ड में ई एस ऐड करते हैं। तो आज हम क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम लोग इससे आगे करेंगे। थैंक यू।